हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मास्टर की चैनल में। और आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं उस पर काफी कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछा गया था कि सर प्लीज टेल मी हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, राइट? सो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी एनसीईआरटी, उस पर आज हम लोग थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स का टाइम पास में है और ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही आपका यू नो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस आर गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन, बी इट योर 10th और 12th और व्हाटएवर बी एग्जाम। एनीवेज, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, उससे पहले जरा हम इस बात पे फोकस करें कि एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें, राइट? एनसीईआरटी आप लोग अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने रिसर्च की हो तो एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आपके अभी के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक 10th कर लिया, 12th कर लिया और आपका हो गया। एनसीईआरटी इनफैक्ट आपके 12th के बाद में आपका ग्रेजुएशन और उसके बाद में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुए, आपके SSC CGL हुए, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो कि UPSC कंडक्ट कराता है और ये एनसीईआरटी से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पूछता है। सो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, चैप्टर से आपको थरली गुजरना है। आपको लगता है कि आपकी बुक मोटी है और आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उस बुक में सबसे पहले चैप्टर को थरली पढ़ना है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्कअप करना है और उसके बाद में आप अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अनसॉल्व क्वेश्चंस की तरफ जब आप आएंगे तो फिर उन अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपको रियलाइज होगा, डेफिनेटली रियलाइज होगा, करके देखिएगा, आपको रियलाइज होगा कि पीछे के कुछ पॉइंट्स आपके नॉट सो स्ट्रांग हैं। तो आपको क्या करना है, उस एक चैप्टर जो कि मान लीजिए वो चैप्टर आपका 10 पेज का है, उस 10 पेज के चैप्टर का आपको एक पेज या आधे पेज के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उन शॉर्ट नोट्स को आपको खुद का कलेक्शन करना है, लाइक मान लीजिए साइंस की बुक है आपकी या फिर बायो की बुक है या फिर फिजिक्स की बुक है, व्हाटएवर ना, उस बुक का आपका एक शॉर्ट नोट्स का सेट होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के सेट आपने बना लिया, अब उस शॉर्ट नोट से, क्योंकि हुआ क्या कि उस शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए आपने उस किताब को 2 से 3 बार पढ़ा, तो जो एक्स्ट्रा थियरी है वो आपके दिमाग में है ना, और उन शॉर्ट नोट्स से आप बार बार रिवाइज कीजिए थियरी को, न्यूमेरिकल्स को कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लिया, कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट मिला उसको देख लिया और फिर ऐसे करके आप रिवाइज करते रहे, राइट? उसके क्वेश्चन को तो आपको 2 से 3 बार करना ही है। अब पढ़ने के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट को आप देखिए। कहने का मतलब ये है, हमेशा समझना कि हमारा माइंड हमेशा पैटर्न्स की तरफ ज्यादा जाता है ना, पैटर्न्स को समझना हमें बहुत अच्छा लगता है, पैटर्न्स के साथ खेलना भी हमें अच्छा लगता है। सो पैटर्न्स हमको बनाने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें हिस्ट्री में, थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन आप ये समझिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, क्योंकि एवरीथिंग हैज ए कॉज, हर एक चीज के पीछे कारण है, बिना कारण की कोई भी चीज नहीं होती है। सो आपको सबसे पहले उस कारण को डिटेक्ट करना है, उस कारण को डिटेक्ट करने के बाद में अगला काम होगा आपका, कारण देख लिया, अब आपको देखना है कारण से हुआ क्या, व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट, और उस आफ्टर इफेक्ट के फिर फर्दर मोर आपके का कंक्लूजन निकले। तो इस तरीके से आप एक यू नो एक स्टोरी बनाइए, एक कथा बनाइए और उस एक कथा के अराउंड अपने पूरे के पूरे चैप्टर को रखिए। आप फिजिक्स को भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को आप देखें, कुछ साइंस में क्या होता है, कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि कैसे उन इन्वेंटर्स ने उस चीज को समझा। हमेशा एक साइंस में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का मतलब है कि उन लोगों ने पहले कहीं कोई प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, उसके बाद में उन्होंने उसके सॉल्यूशंस की तरफ देखा होगा, और नेचर से ही हमें ऑब्वियसली जो आपके इंस्पिरेशन है वो मिलता है आसपास से। इंसान ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा, बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा तो हमने एरोप्लेन बना डाला। सो कहने का मतलब यही है, अगर नेसेसिटी है, इन्वेंशन की जरूरत है, इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा, बाहर से ही मिलेगा। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से हमको एक समा बांधना, हमको एक स्टोरी बनानी है, तब जाके ना एनसीईआरटी भी इंटरेस्टिंग लगेगी, वरना बोरिंग लगने लग जाएगी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द मॉरल ऑफ दिस वीडियो इज, नंबर वन, सबसे पहले आप लोग उसको 1 से 2 बार पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस करिए, बिंदास करिए, शॉर्ट नोट्स को चिपका दो दीवार पे यार, खूब पढ़ो, रात को सोने से पहले, उठने के बाद 10 मिनट एक बार निगाहें फेर लो, दिमाग में चलता रहेगा आपके, ठीक है? एक स्टोरी बना के पढ़ो, ऐसे नहीं कि हाँ उसको वो करना है, हर मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, एक रीजन है, रीजन की वजह से ही कुछ चीजें हो रही हैं और वो चीजें आपके जिस रीजन की वजह से हो रही है उनका फर्दर आगे कंक्लूजन मिलेगा,
जैसे इंसान ने पहिया बनाया, सोचा एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मिनिमम आपका एफर्ट कब लगेगा पहिया बनाने, तो पहिया ट्रायंगुलर भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर भी हो सकता था और आपका गोल भी हो सकता था। तो गोल ही क्यों बनाया, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट रहेगा, मिनिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो खैर रोलिंग आपके मोशन को असिस्ट भी करेगा। अब उसके बाद में जितनी भी रिसर्च हुई आपके व्हील्स में टायर्स बने, वो सारे के सारे बेस एक ही था, गोल रखना है टायर। फिर फर्दर ये रिसर्च नहीं हुई कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या फिर आपका स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब कोई चीज डेवलप हो जाती है उसके बाद फिर फर्दर अमेंडमेंट्स उसी में करने होते हैं, इस चीज को ध्यान में हमेशा रखिएगा। बाकी और कोई इश्यूज हो, बाकी कोई भी डाउट्स हो, बिंदास आप अपने कमेंट्स बॉक्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे हमेशा उन वीडियोस को लेके आने की, उन क्वेरीज को वीडियोस के फॉर्म में लेके आने की आपके सामने। पूछो यार, पूछोगे तभी हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे, तभी आपके लिए बनाएंगे और हमारे लिए भी मोटिवेशन यही रहेगा जब आप वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जितना हो सके शेयर करो यार, ये नई क्रांति है, आओ जुड़ो, आइए एक चेंज लेके आते हैं हम सब लोग साथ में मिलके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है सब्सक्राइब बटन, बेल बटन, ताकि हमेशा नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, जय हिंद।